आज की इस वीडियो मजेदार होने वाली है। आप लोगों को पता लग गया होगा वीडियो थंबनेल देखकर कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाला है। एंड ये वीडियो सब वीडियो की तरह डिफरेंस वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको केवल रिकमेंड नहीं करने वाला कौन सी किताब आपको बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये थोड़ा सा स्पेशल वीडियो होने चाहिए, जो और यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं उससे स्पेशल वीडियो होगा। स्पेशल क्या होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा कि पहली कौन सी किताब पढ़नी चाहिए अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। एंड तीन बोनस पॉइंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में तीन ऐसे बोनस बुक्स में डिफरेंट बताऊंगा जो आप ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते हो आपको कंपलसरी वो पढ़ना चाहिए, जो मेरे लाइफ में बहुत ही फर्क दिया है, आपकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा उसको पढ़ने से। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना वो तीन बोनस पॉइंट देखने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें हर एक वीडियो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा कि इस किताब में क्या क्या डिफरेंस है, इस किताब में आप क्या क्या सीख सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हर एक किताब पढ़ रखी है। तो इसमें हर एक थोड़ा सा मैं की पॉइंट आपको बता दूंगा कि इस किताब में आपको क्या क्या की पॉइंट मिलने वाले हैं, बाकी आप खुद बाय कर लो किताब को। हर एक किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हो इजिली। ओके, अब बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि पहले आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। देखो पहले मैं इसमें किताब की बात करता हूँ, इसमें पहली आपकी किताब है रिच डैड पुअर डैड। अब आप बोलोगे कि रिच डैड पुअर डैड का ट्रेडिंग से क्या मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूँ दो मिनट में। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं इतनी सारी किताबों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड आपको क्यों पढ़ना चाहिए। देखो पहली चीज, रिच डैड पुअर डैड एक फाइनेंशियल लिटरेरी प्रोग्राम है, जिसमें फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया जाता है कि काफी सारा, थोड़ा सा नहीं काफी सारा बता दिया जाता है कि इसमें हम लोगों को पैसे कमाना कितना अजीब होता है एंड अमीर लोग गरीब लोग सोचते हैं कैसे हैं। रिच डैड पुअर डैड मतलब सेम मतलब ये था, मैं आपको समरी बता दूं तो इसका एक सार बता दूं तो इसमें ये मतलब है कि हमें पैसे बनाना कितना इजी हो जाता है एंड अमीर लोग और गरीब लोग सोचते कैसे, ये हमें मार्केट में बहुत इसमें फायदा देता है। मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में लोग बायर सेलर, मार्केट में हम लूज करते हैं पैसा, मार्केट में कमाते हैं, तो हम लोग उसमें समझना होगा कि कितना पैसा बनाना इजी होता है, ट्रेड को कितना करना इजी होता है। हमें नासा साइंटिस्ट बनकर ट्रेड करना नहीं करना पड़ता, हमें बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं, इजीली तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये हमें लाइफ में भी बहुत अच्छा दिखा देगी कि लाइफ में हमें कैसे पैसे बनाने, कितना इजी से पैसा बना सकते हैं, अभी लोग कितना इजी से पैसा बनाते हैं। दूसरी चीज़ आप ट्रेडिंग में भी इससे सीख सकते हो, ट्रेडिंग में इसकी बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि मेरे पास बहुत हेल्पफुल हुई है तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। तो पहली चीज़ ये होगी, ओके, जो आपको शायद किसी ट्रेडिंग ट्रेडर ने बताया होगा कि ये चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, है ना, बट ये पढ़ना। सेकेंड बुक होगी जो सबकी फेवरेट बुक है, ट्रेडिंग इन नज़र, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, बाय कर लेना। पहले सुन लो इसमें क्या होगा, जितना भी आपको साइकोलॉजी कवर करनी है, जो भी आपको एक्सपीरियंस लेना है, सब कुछ इसमें है। ठीक है, दो से तीन चार बार आप चीज को पढ़ो, मैं मतलब 6 से 7 बार ऑडियो को सुन चुका हूँ, एक बार मैंने कंप्लीट किया। ऑडियो को थोड़ा सा मुझे सुनना अच्छा लगता है एंड पढ़ना मेरे लिए कंफर्टेबल उतना नहीं होता, तो बस ऑडियो को ज़्यादा सुन लेता हूँ। तो इसमें समरी आपको बता दूँ, दो तीन की पॉइंट क्या है कि पहली चीज कि हम लोग साइकोलॉजी कैसे डेवलप करते हैं ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी हम लोग जो सोचते हैं सही है गलत है, एक जो अच्छा ट्रेडर होता है वो कैसे सोचता है, एंड हम लोगों को मतलब हम लोगों को पता लग जाता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। बस सिंपल से मतलब ट्रेडिंग अंदर जोन पढ़ने से हमें ये पता चलता है। एंड इसमें अगर डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एंड इसके लिए मैंने आई थिंक पार्ट वन पार्ट टू बना रखा है ट्रेडिंग अंदर जोन में, वहां पर आप देखो उसमें मैंने पूरी समरी बता रखी है बुक की, तो वो आपको कंपलसरी है वीडियो देखने, तो वीडियो आप देख लेना इस वीडियो के बाद। ओके, तो दो पॉइंट दो किताब हो गई। अब तीसरी किताब होगी आपकी शेयर मार्केट से कैसे बनाए मैंने 10 करोड़। अब इसमें देखो थोड़ा सा समझाया गया है कि हम लोग जो इसमें एक मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, निकोला ड्रवास की जो काफ़ी मिलियनर रहे हैं ट्रेडिंग में, एंड इसमें एक अच्छी चीज़ मैंने डिस्कस कर रखी, वो चीज़ ये कि हम लोग को जो ब्रोकर देना पड़ता है वो कितना इफेक्टिव, मतलब कितना हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ब्रोकर क्या होता है, कुछ नहीं होता, हम लोग कभी उसको जज नहीं करते, पर हमें पता लग पाता है कि ब्रोकर देखना क्या होता है, कि हाँ ब्रोकर भी हमारे लाइफ में काफी इंपैक्ट पड़ता है, ब्रोकर का भी मतलब कुछ होता है, धड़ धड़ करके काफी पैसा ले लेता है ट्रेडिंग जर्नी में, तो आपको उसमें ये समझ में आ जाएगा। एंड इसमें कुछ इसमें लाइफ एक्सपीरियंस दे रखे हैं कि एक बंदा डांसर था, डांसर से कैसे शेयर मार्केट में किंग बन गया। ठीक है, तो आप लोग जो CA नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं BTech करता था तो BTech से मैं ट्रेडर बन गया, तो ऐसे काफी लोग बन सकते हैं, मोटिवेशन दे सकता है वो कि नहीं यार कुछ भी करके हम ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडर मतलब ये नहीं होता जो CA किया हो या थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में जानता हो वही ट्रेडर बन सकता है, नहीं, कोई भी बंदा ट्रेडर बन सकता है, प्रूफ है। ओके, तीन बुक हो गई। फोर्थ बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा सुपर ट्रेडर। ठीक है, ये वानके थाप की इसमें मैंने देखो मैं आपको टू बी आंसर बताता हूँ, तो इसमें अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं दी हो, नई किताब है पूरी, तो अभी जस्ट मैंने परचेज ही की है आई थिंक। ठीक है, एंड इसके पहले मैं एक दो तीन चार पेज मैंने पढ़े थे, इसके बाद मैं ट्रिप पर चला गया तो मैं ज़्यादा उसको मैंने पढ़ नहीं पाया, बट हाँ जितना मैंने पढ़ा है उसमें ये चीज़ एक चैप्टर मैंने पढ़ा है, उस चैप्टर में ये चीज़ समझाई गई है
कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो एज अ बिजनेस ट्रेड कर रहे हो कि आप एक एडिट के ट्रेड कर रहे हो। ट्रेडर को कैसे सोचना चाहिए, ट्रेडर को हमें बिजनेस के पॉसिबिलिटी सोचना चाहिए कि ये बस ट्रेड है, हमें बस 4-5 डैशबोर्ड देख लेना है, ये करना है, वो करना है। मतलब कि इसमें एक अच्छी चीज़ बताई गई, जो एक टॉपिक में उसमें जो मैंने पढ़ा है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो हम ट्रेड करते हैं वो हमें बिजनेस के प्रॉफिट से ट्रेड करना है, हमें बस प्रॉफिट से मतलब रहना है, हमें बस ऐसे मतलब नहीं रखना कि हमें 4-5 दिन सामने बैठना है और ट्रेडिंग में मजा आ रहा है, मजे से ट्रेडिंग नहीं करना हमें, हमें ट्रेडिंग को बिजनेस ट्रेड करना है। ठीक है, जैसे हमने एक अपनी बोरिंग कम्युनिटी के नाम से बना रखा है पेज इंस्टाग्राम, अगर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लो। उस पेज का मकसद यही बनाने का कि आप लोगों को पता लग पाए कि ट्रेडिंग हमें बोरिंग की तरह करनी, ना कि हमें इंजॉयमेंट की तरह। जिस दिन आप इंजॉयमेंट की तरह ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे उस दिन भाई, जिस दिन फील लेना स्टार्ट कर दो ट्रेडिंग में, उस दिन आप पैसे कमा दोगे, लिख लो मेरी बात। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इमोशनल कनेक्ट कर ले आते हैं, जिस दिन फील हो जाएगा उस दिन इमोशन आ जाएंगे, फिर स्टॉप लॉस नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए हमें बोरिंग ट्रेड करना है, एक बिजनेस के प्रॉस्पेक्टिव ट्रेड करना है कि ना टारगेट है तो है, स्टॉप लॉस है तो है, बस खत्म काम, उसके आगे कुछ हमें सोचना ही नहीं है। ये चीज आती है हमें, ये हमको उसमें मैं कम एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैंने खुद नहीं कम्प्लीट कर रखी, इसलिए मैंने बाय कर रखा है, तो आप लोग जाकर बाय कर सकते हो। ओके, एंड जो बुक हिंदी में अवेलेबल है वो हिंदी में मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एंड जो बुक इंग्लिश में अवेलेबल है उस चीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप वो इसी लिंक से बाय कर लेना, क्योंकि फिर आपको हिंदी इंग्लिश में जाओगे तो आपको मिलेगी भी नहीं, है ना। जो हिंदी में है वो हिंदी को मैं बाय कर रखा है, जो इंग्लिश में है इंग्लिश में मैंने बाय कर रखा है। इसके बाद फिफ्थ नॉट द लिस्ट बुक आ गई है अपनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आई थिंक आप लोगों ने सब सुना होगा एंड काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट इसमें मैंने काफ़ी कंप्लीट कर रखा है पूरा। एंड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर काफ़ी बड़ी बुक है, धीरे धीरे आप कंप्लीट करना, काफ़ी मोटी बुक है। इसमें देखो वॉरेन बफेट के बारे में सब कुछ बताया गया है, ठीक है, एंड वॉरेन बफेट किंग है पूरे इन्वेस्टमेंट की दुनिया के, तो उनके बारे में क्या ही बताएं। तो इसमें एक मैं आपको एक की पॉइंट बता दूं, जो सबसे फेवरेट पॉइंट है, इसमें एक चीज़ लिखी थी, हमें कभी भी गिरती चाकू को नहीं पकड़ना चाहिए। ये मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा इस चीज़ में, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है बट ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट लगा, मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा। गिरती हुई चाकू को कभी नहीं पकड़ना चाहिए, इसका हमें ट्रेडिंग में क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट में क्या मतलब है। इन्वेस्टमेंट सिंपल से मतलब हो जाता है कि कोई मार्केट शेयर गिर रहा है, कोई कॉइन्स गिर रहा है, तो हमें कभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गिरती हुई चाकू को पकड़ेंगे तो भाई साहब हाथ क्या होगा पता है, कट जाएगा, पैर कट जाएगा, कुछ भी जिससे ही पकड़ेंगे उसको कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें कभी भी गिरते हुए स्टॉक, गिरते हुए कॉइन्स को बाय नहीं करना चाहिए, ये इसमें सिंपल सा बताया गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ के सिंपल सा, इसमें मतलब कि आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं, है ना, एक बार में पढ़ के पूरी कहानी बताई गई है कैसे बने हैं, एंड उन्होंने क्या क्या, इन्फ्लेशन क्या होता है, एंड एक गैम्बलिंग कैसे ट्रेड करता है, गैम्बलर होता है एक ट्रेडर कैसे बनता है, गैम्बलर और ट्रेडर फर्क क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं जो आपको पढ़कर ही समझ में आएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि आपको बता दिया जाए कि कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, एंड हर एक किताब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट आपको कवर करती है, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आ सके कि नहीं इस चीज़ को मेरे को पढ़ना है यार, मेरे को ये चीज़ नहीं पता है ना, इसलिए मैं एक दो चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करता हूं। बाकी मैं एक किताब है जो ट्रेडिंग इन द जोन, जो मेरी मोस्ट फेवरेट किताब है, उस चीज़ को मैंने यूट्यूब में वीडियो बना रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, वहाँ जाकर आप देख लो। ओके, इसके बाद अब बात कर लेते हैं, जो वीडियो को अभी तक देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करो, रिकमेंड करो बुक पढ़ने का। एंड अब बात कर लेते हैं कि कौन से 3 बोनस पॉइंट, अगर ये 5 आपको किताब अच्छी लगी हो जो मैंने बताई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, है ना, एम रखेंगे 200 लाइक का, अगर कर दोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं आप लोग वाकई इस किताब को पढ़ना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं 3 जो किताबें मैं आपको बोनस में देने चाहता हूँ, जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, ट्रेडिंग करते हो या फिर किसी भी बिजनेस में करना चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा ट्रैक के हटकर काम करना चाहते हो, ट्रैक का हटकर काम करने का मतलब ये हो जाता है कि आप कुछ अलग भीड़ से हटकर कुछ काम करना चाहते हो, वो कोई भी काम हो सकता है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। किताब हो जाएगी रिच डैड पुअर डैड, वो तो मैंने बता रखी है। इसके बाद 3 बोनस किताब आ गई, थिंक एंड ग्रो रिच, ये मैंने पढ़ रखी है। थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब ये होता है कि आप जो सोचते हो वो आपकी लाइफ में कितना इंपैक्ट करता है, आप जो सोचते हो वही चीज़ होती है, ये आपको बिलीव इसमें किताब में मिल रहा है कि आपको बिलीव सिस्टम हो जाएगा कि नहीं यार जो हम सोचते हैं ना वाकई पॉसिबल है, पहले हमें सोचना पड़ता है इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक, इसके बाद वो चीज़ ऑटोमेटिक हम लोग उसमें इंप्लीमेंट करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है, तो इस चीज़ में सीखने को मिलेगी। नहीं यार सोचने से हमें क्या मतलब, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, सिंपल सा मतलब यही है कि भाई हम पहले सोचते हैं इसके बाद अमीर बनते हैं, इसलिए हमें सोच में भी अपने को बदलाव करना चाहिए, हमें ये किताब सिखाती है ना। तो बाकी मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद मेरा चीज़ किसने हटाया, ये किताब आप पढ़ो। इसमें देखो क्या होता है, आप ईगो जो होते हैं, ईगो वाले बंदे, उनके लिए बहुत अच्छी किताब है, जिनको ईगो, जिन चीज़ को ट्रैक से हटना नहीं चाहते। जैसे मैं आपको बताता हूँ,
एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो शेयर मार्केट ट्रेड करते हैं एंड वो क्रिप्टो करेंसी में आना ही नहीं चाहते, ठीक है, वो आज तक एक्सप्लोर किया ही नहीं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, वो कंफर्ट जोन में चले गए कि नहीं यार मैंने शेयर मार्केट सीख रखा है तो आप क्यों क्रिप्टो में जाएं, क्यों थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखें, क्यों थोड़ा सा कंफर्ट जोन को हटाएं। उनके लिए किताब है कि मेरा चीज किसने हटाया। इसमें सीधा सा सिंपल बताया गया है कि भाई अगर आप अभी भी इस चीज को नहीं फॉलो करोगे, इस चीज को थोड़ा थोड़ा करके अपने जैसे जैसे फ्यूचर बदलता है, उस फ्यूचर के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। सिंपल से यह बताया गया कि नहीं, धीरे धीरे कोई चीज छोटी जाती हमें पता नहीं चल पाता एंड वो फिर इतना हट जाता है कि हमें उस दिन फिर लगता है यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप आपके पास 1,000 रुपये पॉकेट में, आप डेली कुछ 10-5 रुपये 10-5 रुपये खा रहे हो, आपको पता ही चल पाएगा कि आप कब के 1,000 रुपये खत्म हो गए। वैसे आप कमेंट करके बता सकते हो कि वाकई किसके साथ होता है, सबके साथ होता है ना, कि हमें पता नहीं चल पाता यार कब से 1,000 रुपये 500 रुपये कैसे कहाँ चले गए, तो वो ये सब बताता है। ठीक है, कि बल्कि हम लोग कम्फर्ट जोन से हटकर कुछ अलग चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए, ये सब हमें इस किताब में सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे, इस तीन बोनस पॉइंट में सबसे अच्छी जो बुक है मेरी थिंक एंड ग्रो के बाद, द कंपाउंड इफेक्ट। ठीक है, ये हमें लाइफ में बहुत यूजफुल लगी। अब क्यों यूजफुल लगी, देखो किताब, कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग से हमें क्या फर्क पड़ता है, कंपाउंडिंग का कितना बड़ा फर्क है। ठीक है, एंड ये 8वां जुगल से कंपाउंडिंग का बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। कंपाउंडिंग मतलब ये नहीं हो जाता कि हम लोग कंपाउंडिंग से पैसा कैसे ग्रो कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डालकर, शेयर मार्केट में डालकर, ट्रेडिंग करके, नहीं। इसमें कंपाउंडिंग, पहले मैं इसको किताब को बाई करने से पहले ये सोचा था कि इसमें ये पढ़ाया जाएगा कि शेयर मार्केट में हम कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हैं, 10% से 15% से 20 साल बाद रिटर्न कितना ले सकते हैं। तो मैं सोचा ये पता तो है, बट एक बार चलो खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। लेकिन इसमें ये पूरी कंपाउंडिंग, लाइफ कंपाउंडिंग के बारे में बता रखी है कि अगर हैबिट भी सुधारना है, ठीक है, अगर आप डेली 1 घंटे जिम करते हो, 1 घंटे मेडिटेशन करते हो, या फिर आधे घंटे भी कुछ वर्क करते हो, 15 मिनट भी कुछ वर्क करते हो ना, वो आपको 10 साल 5 साल बाद 4 साल बाद 1 साल बाद 6 महीने बाद कितना इम्पैक्ट करेगी आपके लाइफ में। एंड आप 15 मिनट हर दिन दे रहे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ये काम कर रहे हो, लेकिन आप 1 महीने बाद देखोगे तो आपको बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। ये कंपाउंडिंग बताती है किस तरीके से कंपाउंड होता है, किस तरह से हम लोग, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बैड हैबिट होगी, एक गुड हैबिट होगी। इसमें बताया रखा है हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग बैड हैबिट को सोचते हैं कि या बैड हैबिट को कैसे दूर करें, बैड हैबिट को कैसे दूर करें। इसमें यह बता रखा है कि हम लोग को बैड हैबिट जो है वो ठीक है, सोचना ही नहीं इसके बारे में, हम लोगों को ये सोचना है कि गुड हैबिट को कैसे और इम्प्रूव करें, ताकि बैड हैबिट के बारे में, देखो जो हम सोचते हैं ना वही चीज़ के बारे में हम लोग सोचते हैं, वही चीज़ के बारे में हम लोग फॉलो करने लगते हैं। अगर हम इसको सोचेंगे नहीं कि हमारी बैड हैबिट, जैसे मान लो सपोज करो हमारी हैबिट है शाम को फिंगर खाने की, पिज्जा खाने की, ठीक है, कुछ भी खाने की, फिंगर है, हार्ड फूड हम खाते हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि यार कल नहीं खाएंगे, कल नहीं खाएंगे, तो और उस दिन मन होगा कि यार ऐसा नहीं कर सकते यार, डेली तो खाना पड़ेगा, है ना, 1 साल से खाते आ रहे हैं तो डेली खाना पड़ेगा, कैसे छूटेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार मैं सुबह सुबह नाश्ते में फ्रूट खाता हूँ, ठीक है, तो आप फ्रूट खाओ, सोचो ही मत, 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद आप उस चीज़ को सोचोगे नहीं, फिंगर खाने को, पिज्जा खाने को, बर्गर खाने को, आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ कब छूट गई। ये सब एक्सप्लेन कर रखा है इस चीज़ में, है ना, थोड़ा सा मैं इंटर दे रखा हूँ कि क्या क्या एक्सप्लेन कर रखा है। सारी 8 बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, चाहो तो आप 8 बुक मंगा लो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं पूरी बुक एक साथ मंगा लेता हूँ, ताकि हाँ यार आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, सामने होते तो पढ़ लेते हैं, सर आई नहीं तो कैसे पढ़ें, तो मंगा सकते हो यार, इतना लोग हम लोग फालतू में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत हमें फायदा होगा। एंड 8 बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप लोग बाय करो एंड पढ़ो, हैप्पी जर्नी, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस।